ये गुजरात के फेमस खीचू पापड़ जो चावल के आटे से बनते हैं। यहाँ गेहूं के भी बनते हैं पर हम बनाते हैं चावल से। ये चावल के आटे को गर्म पानी करके उबाल के उसका खीचू बनाते हैं। वो खीचू बना के फिर खीचू इस टाइप के होता है। खीचू बनने के बाद हम उसको ऐसे प्रेस करके थोड़ा हाथ से थोड़ा प्रेस करके ऐसा ऐसा बना देते हैं। इसे प्रेस करके इस तरह से बना देते हैं। फिर इसको ये मशीन में डालते हैं। मशीन में जितना आपको पापड़ चाहिए इस टाइप से मोटा पतला बना सकते हैं। यहाँ से बैठ के यहाँ निकलता है, यहाँ कटिंग होता है। इस तरफ से जो आदमी बैठा है वो इसको उठा के सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। कटिंग के बाद जो वेस्ट नीचे गिरता है उसको वापस उठा के इस तरफ से प्रेस करके इस तरफ से बना लेते हैं। फिर वापस उनका पापड़ बन जाता है। कोई भी चीज़ इसमें वेस्ट होती नहीं, पूरे पूरा जो अपना आटा है उसका पूरा काम हो जाता है। इस तरह से आटे को एक के बाद एक जॉइंट करते जाते हैं। ये आसानी से जॉइंट हो जाता है, ये नरम होता है। देखिए जो वेस्टेज जो निकलता है उसका पापड़ फिर वापस ऐसे बन जाते हैं। जो भी वेस्टेज है उसको ऐसे प्रेस करके आप मशीन में डाल सकते हैं, एक के बाद एक जॉइंट कर सकते हैं। ये नरम होने के कारण इसमें कोई जॉइंट दिखता नहीं। अगर आपके पास स्टाफ है, 4-5 आदमी है, तो आप रोज का 35 से 40 किलो ये पापड़ बना सकते हैं। ये पापड़ 8 ग्राम से लेके आप 10-12 ग्राम तक बना सकते हैं। इसको जितना महीन बनाना हो आप बना सकते हैं। हम इतना पतला बनाते हैं, ये करीबन 11-12 ग्राम का ये पापड़ है। चलिए आपको दिखाते हैं ये पापड़ को धूप में कैसे सुखाते हैं, आइए मेरे साथ। सुखाने के बाद पापड़ ऐसे दिखते हैं, वो आपको दिखाता हूँ। इस तरफ के खिली धूप में इसको रखते हैं। सूखने के बाद थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, फिर इसको पलट देना है। धूप में सूखने के बाद ये थोड़ा कड़क हो जाता है और ट्रांसपोर्ट थोड़ा हो जाता है, फिर आप ले सकते हैं इसको। धूप में सूखने के बाद पापड़ ऐसे दिखते हैं, ऐसे हो जाते हैं। बिना मिर्च के भी बना सकते हैं। ये बिना मिर्च क्या है, और ये हरी मिर्च का है, और ये मिर्च बगैर का है। जैसा चाहो वैसा बना सकते हैं आप। गेहूं का भी बनता है, चावल का भी बनता है, ये चावल का है। जो चाहे वो बना सकते हैं आप। फ्राई भी कर सकते हैं और रोस्ट भी कर सकते हैं। देखो ये पापड़ रोस्ट होने के बाद ऐसा दिखता है, देखो। उसको तल तल भी सकते हैं और सेक भी सकते हैं।